See now, question number 2. Question number 2 is 5m minus n is equal to 3m plus 4n. Then find m square plus n square upon m square minus n square or 3m plus 4n upon 3m minus 4n. Okay, ये दो है, इसके हम लोग क्या करने हैं, वैल्यूज निकालने. अब देखो दिया क्या है, 5m minus n is equal to 3m plus 4n. क्या दिया है, 5m minus n is equal to 3m plus 4n. So 5m, ये 3m यहाँ पे माइनस हो गया, 5m minus 3m is equal to 4n plus n. 5m minus 3m, 2m is equal to 5n. अब देखो m यहीं पे रखा, n यहाँ पे नीचे आ गया, के 2 यहाँ पे आया, तो m upon n क्या आया, 5 upon 2. m upon n क्या आया, 5 upon 2. अब देखो फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है m square plus n square upon m square minus n square. तो यहाँ पे m square मतलब 5 का square plus 2 का square, right? 5 का square minus 2 का square. So 25 plus 4 upon 25 minus 4. So 25 plus 4 क्या आया, 29. और 25 minus 4 क्या आया, 21. आया समझ में. वैसे ही 3m plus 4n upon 3m minus 4n is equal to 3 into 5 plus 4 into 2 upon 3 into 5 minus 4 into 2. 3 5 is 15 plus 8, 15 minus 8. Answer is 23 upon 7. Right? Therefore, 3m plus 4n upon 3m minus 4n is equal to 23 upon 7. मतलब इसमें सबसे पहले हम लोगों ने किया क्या, m upon n find किया. जैसे 4.3 में था, a upon b हमें दिया हुआ था, right? वैसे यहाँ पे m upon n हम लोगों ने find किया और उसके बाद इसके हम लोगों ने क्या किया, वैल्यूज ढूंढ निकाले. ओके, राइट डाउन. सी नाउ क्वेश्चन नंबर 3. ओके, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बता, देखो इफ a into ब्रैकेट y प्लस जेड इज इक्वल टू b into ब्रैकेट z प्लस x इज इक्वल टू c into ब्रैकेट x प्लस y. टेक्स्ट बुक रिफर करो, टेक्स्ट बुक में देखो a into ब्रैकेट y प्लस जेड इज इक्वल टू b into ब्रैकेट z प्लस x इज इक्वल टू c into ब्रैकेट x प्लस y. एंड आउट ऑफ a b c नो टू ऑफ देम आर इक्वल, देन शो. a b c में कोई भी दो जो है वो इक्वल नहीं है, तो हमें क्या बताना है, दैट y माइनस z अपॉन a, b माइनस c इज इक्वल टू z माइनस x अपॉन b, c माइनस a इज इक्वल टू x माइनस y अपॉन c a माइनस b. ये हमें प्रूव करना है कि तीनों जो रेशो है, तीनों रेशो क्या है, सेम है. ओके, अब देखो सॉल्यूशन में क्या किया है, a y प्लस z इज इक्वल टू b z प्लस x इक्वल टू c x प्लस y, ये हम लोग को दिया हुआ है. ये क्या हम लोग को दिया हुआ है. अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, देखो ये हम लोग को प्रूफ करना है कि इसके लिए यहाँ पे हमें ये जो हम लोग को दिया है ए वाई प्लस जेड, ये तीनों को ए बी सी, ए इंटू बी इंटू सी से हमें क्या करना है, डिवाइड करना है. क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे. तो ए और ए कैंसिल हुआ तो बचा क्या, वाई प्लस जेड अपॉन बी सी. यहाँ पे बी बी कैंसिल हुआ तो बचा क्या, जेड प्लस एक्स अपॉन ए सी. यहाँ पे सी सी कैंसिल हुआ तो बचा क्या, एक्स प्लस वाई अपॉन ए बी. डिवाइडिंग इच रेशियो बाय ए बी सी, तीनों रेशियो को हम लोग क्या ए बी सी से डिवाइड करने के बाद हमें क्या मिला, y प्लस जेड अपॉन बी सी इज इक्वल टू जेड प्लस एक्स अपॉन ए सी इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई अपॉन ए बी. अब देखो तीनों को, सपोज तीनों सेम है ना, तो तीनों की वैल्यू भी सेम आएगी, एक ही आएगी, दैट इज के. ओके, लेट y प्लस जेड अपॉन बी सी इज इक्वल टू जेड प्लस एक्स अपॉन ए सी इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई अपॉन ए बी इज इक्वल टू के ऑन थ्योरम ऑन इक्वल रेशियो. अब देखो तुम बोलोगे सर ये आपने कैसे लिया. ओके, सबसे पहले हमें प्रूफ क्या करना था, ए बी माइनस सी. क्या करना है, वाई प्लस जेड अपॉन ए बी माइनस सी, ए इंटू बी ए बी एंड ए इंटू सी ए सी. दैट्स वाई ये पहले तुमने देखो क्वेश्चन में तुम्हारे दिया हुआ है, इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लिया, ए बी माइनस ए सी लिया. तो ए बी माइनस ए सी लिया तो ए कॉमन आया, तो ब्रैकेट में क्या हो जाए, बी माइनस सी. तो यहाँ पे ए बी मतलब एक्स प्लस वाई माइनस ए सी मतलब जेड प्लस एक्स. देखो ए बी एक्स प्लस वाई, ए सी जेड प्लस एक्स. तो इस ब्रैकेट को इसमें माइनस किया. अब माइनस करने के बाद एक्स एक्स प्लस वाई माइनस जेड माइनस एक्स. सो माइनस माइनस कट हुए तो बचा क्या, वाई माइनस जेड अपॉन ए बी माइनस सी. देखो वाई माइनस जेड अपॉन ए बी माइनस सी, ये वन हुआ. सिमिलरली के इज इक्वल टू बी सी माइनस ए बी.
क्योंकि हमें क्या प्रूव करना है, बी सी माइनस ए, तो बी इंटू सी बी सी, बी इंटू ए ए बी, सो बी सी माइनस ए बी, सो वाई प्लस जेड माइनस एक्स प्लस वाई, सो बी सी माइनस ए बी, ब्रैकेट ओपन के वाई प्लस जेड माइनस एक्स माइनस वाई अपॉन बी सी माइनस ए, दोनों में से बी कॉमन लेना तो बचा क्या सी माइनस ए, वाई वाई कैंसल जेड माइनस एक्स, सो जेड माइनस एक्स अपॉन बी सी माइनस ए। नंबर टू, सिमिलरली यहाँ पर भी ऐसे किया, ए इंटू सी ए सी, सी इंटू बी बी सी, सो ए सी माइनस बी सी, सो जेड प्लस एक्स माइनस वाई माइनस जेड, यहाँ पर माइनस है तो ब्रैकेट के साइन, ब्रैकेट के अंदर के साइन चेंज हो गए। नाउ जेड जेड कैंसल तो बचा क्या एक्स माइनस वाई, सी ए माइनस बी, तीनों जो है तीनों का आंसर क्या है, के इज इक्वल टू, के इज इक्वल टू एंड के इज इक्वल टू, राइट, मतलब तीनों जब हम लोग ने सॉल्व किया तो हमें आंसर क्या मिलता है, के ही मिलता है। फ्रॉम वन टू एंड थ्री वी गेट तीनों जो रेशियो है, तीनों रेशियो क्या है, इक्वल है, क्योंकि तीनों का आंसर क्या आया सेम है, दैट इज के, एंड दैट्स वाई तीनों के तीनों क्या है, इक्वल है। ओके, राइट डाउन।